विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जो है वो जारी है। बढ़ चढ़कर जो है लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और आज तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है और जनता ये तय करेगी किसके सर पर ताज को सजाना है और किसको हार का जो है हार पहनानी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से आपका तारुफ मैं करा लेती हूं। बीजेपी से बीजेपी की जो प्रवक्ता है रेणु भाटिया हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ नेता नसीम खान है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अगर बात करें यहाँ पर शिवसेना प्रवक्ता संजय द्विवेदी जो हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं, वहीं वकार चौधरी जो कि आपकी प्रवक्ता है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। संजीव कौशिक जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम जो हमारे खास मेहमान है हमारे बीच मौजूद है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि मतदान प्रक्रिया तो जारी है लेकिन आखिर इन दोनों ही राज्यों में जनता का मूड क्या है और किसके सर पर ताज सजेगा जीत का और किसको का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रेणु जी आपके पास आऊंगी क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें उसमें सरकार आपकी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या स्थिति आप देख रही हैं, क्या किस आधार पर जनता आपको वोट करेगी, क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर या मनोहर लाल के काम पर? देखिए आशिमा, 75 पार का नारा तो हम दे ही चुके हैं और हम उस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं बहुत जल्द। 24 तारीख को एक बार फिर बैठ के डिबेट में यही चर्चा होगी। और आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर या किसके नाम पर, तो नरेंद्र मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके मार्गदर्शन से ही भारतीय जनता पार्टी को आज जो रास्ता मिला है, जो विश्व में परचम फैला है, ये उन्हीं की बदौलत है। और मुझे लगता है कि ऐसे मार्गदर्शक को समझना, सुनना और उनके बताए रास्ते पे चलने से ही ये पूरा देश हमारा जो है विकसित हुआ है और आगे भी होगा। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी वजह से जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी विश्वास हम पर किया और अब आने वाले इस चुनाव पर भी, आज के चुनाव पर भी हम पर कर रही है। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो जनता ने एहसास किया कि 10 वर्ष तक केंद्र की सरकार कांग्रेस की और 10 वर्ष तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, उस 10 वर्ष का अगर आप आकलन करें, अगर आप ब्यौरा लें और कंपैरिजन करें तो ये हमारे 2014 से 2019 तक के 5 वर्ष बहुत सक्सेसफुल रहे। नो डाउट 100% काम नहीं पूरे हो पाए क्योंकि समय का हिसाब होता है, लेकिन जितने भी काम पूरे हुए बहुत सहज तरीके से, ईमानदारी से और सिस्टमैटिक वे से हुए जैसे जनता को के लिए होने चाहिए थे। चाहे आप नौकरियां देखें तो उनमें पारदर्शिता रही, चाहे आप महिलाओं के लिए स्कीम्स देखें तो उनमें एक ऐसा संकल्प लेने वाली स्कीम्स थी जिनसे हर महिला को, घर घर की महिला को फ़ायदा हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जनता ने सराहा है और मुझे लगता है आज हमारे पर वो आशीर्वाद बरसाने का दिन है जो वोटों के माध्यम से बरस रहा है। हाँ बिल्कुल, नसीम खान जी मैं आपके पास आऊंगी, आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सहजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप किस आधार पर देखते हैं कि जनता आपको वोट करेगी? असीमा जी देखिए, हम लगातार इस ये जो 2 राज्यों में चुनाव प्रारंभ हुए थे और इसका कैंपेन स्टार्ट हुआ था, हमारे लोकल नेताओं चाहे हमारे राष्ट्रीय नेताओं सभी ने लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा और लोकल मुद्दों की बात की। जहां पूरे दोनों राज्यों में और जो उपचुनाव पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, जहां पर स्थानीय मुद्दे नदारद थे और मोदी जी और अमित शाह जी धारा 370 और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और छदम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी हो चाहे अशोक, चाहे हुड्डा जी हों, चाहे हमारी कुमारी सैलजा जी हों, चाहे हमारे महाराष्ट्र के जो है स्थानीय नेताओं, सभी बिजली, पानी, सड़क और किसान की बात कर रहे थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा रेणु भाटिया जी को, कम से कम इन्होंने इस बात को इस चुनाव में ये माना है बैठ करके टेलीविजन पे अपने प्रारंभिक कमेंट्स में कि अभी बहुत सारे काम नहीं हो पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली नेता मुझे ये दिखाई दे रही है जो ये मान रही है कि जो इन्होंने वादे किए थे, जो काम के लिए कहा था, वो समय के अभाव में नहीं हो पाए। हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जहां तक बात है हरियाणा की और महाराष्ट्र की सरकारों की,
तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद ये कहना प्रारंभ किया था कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, यानी कि केंद्र और राज्य की। तो जो डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उनको जनता ने नकारा था। और अभी डबल इंजन की सरकारें जो बनाई थी पब्लिक ने, ये समझ करके कि दो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के प्रदेश का विकास करेंगे, पूरा हरियाणा अपराध में जकड़ा हुआ है, बलात्कार में जकड़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार की एक सप्ताह में 12 दर्जन हत्याएं हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। हम सिर्फ महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता और उपचुनाव जहां हो रहे हैं उन लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि छदम राष्ट्रवाद को छोड़ करके जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं, जो आपको सहूलत देते हैं, बिजली आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर महंगी हो रही है, जो आपका अपराध बढ़ रहा है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, उन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट दें और कांग्रेस की सरकार को दोबारा आप जो है मौका दें सेवा का। जी विकास चौधरी जी, आप क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर, आप कहाँ देख रहे हैं खुद को? सबसे पहले तो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता और जो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, उनकी जनता से अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आइए, आप लोग घर से बाहर निकलिए और वोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही वोट की ताकत है जो आपको आपका हक दिलाती है। अभी हमारी सहयोगी रेणु जी बात कर रही थी हरियाणा की, हरियाणा में उन्होंने विकास किया, विकास के नाम पर आप जाकर देखिए स्कूलों की हालत, वहाँ की सड़कों की हालत बद से बदतर हुई पड़ी हुई है, स्कूल इतने बुरे हालत में चल रहे हैं, ये लोग 5 साल इन्होंने राज किया और 5 साल भी वहां की जनता को इन्होंने ठगा, ठगने के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि जब ये आए थे 5 साल पहले तो इन्होंने कहा था कि हम एक जाट नेता देंगे हरियाणा के लिए, लेकिन इन्होंने एक नॉन जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाकर वहां की जो जाट लोबी है उसको नाराज किया। लगभग 25% जाट वोट है हरियाणा के अंदर, लेकिन इन्होंने एक जाट नेता को ना मुख्यमंत्री बनाकर एक गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाया। क्यों करते हैं लोगों को जाट? रेणु जी, आप बिरादरी का जनता होता है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है सभी लोगों ने, आप सुनिए, हरियाणा की जनता आज दिल्ली की तरफ मुंह उठाकर देख रही है। रेणु जी, आज हरियाणा की जनता मुंह उठाकर देख रही है कि हमारी बिजली कम क्या होता है और बिजली जातियां क्या। विकास चौधरी जी, आपको जातिवाद इलेक्शन लड़ना है क्या? ठीक है ठीक है, आपको एक ही जाति के लिए सोचना है? भारतीय जनता पार्टी का मन है, आप 370 के चुनाव लड़ रहे हैं, आप विकास के लिए हरियाणा के, आप विकास के लिए और आइए के आएंगे इस पर, आप आइए सड़कों के लिए। देखिए प्लीज, अभी तो शुरुआत हुई और शुरुआत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो गए हैं। रेणु जी आप सफाई पेश कीजिएगा। इसी बीच बड़ी खबर का हम रुक कर लेते हैं, जिनसे ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है 6 लोगों पर हमला करने का। ये आरोप दुष्यंत चौटाला की तरफ से डूमरखा गांव में की जा रही थी फर्जी वोटिंग, तो विरोध करने पर हमला किया गया, मेरे ऊपर गिलास फेंका गया। तो घटना के बाद छावनी में तब्दील गांव और तनाव का माहौल गांव में देखा जा रहा है। तो ये हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आपको हम जींद से बता रहे, जहां पर जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है। उन्होंने 6 लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन पर हमला किया गया है, गिलास उन पर फेंका गया है। तो डूमर गांव खाव में ये फर्जी वोटिंग की जा रही थी, तो विरोध करने पर उन पर हमला किया गया, उन पर गिलास फेंका गया। तो ये घटना आपको हम जींद से बता रहे, जहां पर मेरे ऊपर गिलास फेंका गया, ये आरोप दुष्यंत चौटाला का। बिल्कुल, तो हमारे बीच संजीव कौशिक भी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव जी, आप दोनों हमने सुना यहाँ पर स्पष्ट रिएक्शन सभी का सुना है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, आप क्या देखते हैं दोनों राज्यों में चुनाव की स्थिति में, जनता का मूड किस तरह से? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब हम 4.5 साल तक सत्ता में होते हैं तो विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे चीज़ों पर बात करते हैं और इसी के बदौलत चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पहले हम राष्ट्रवाद पे चले जाते हैं, हम किसी और मुद्दे को लेकर के चले जाते हैं, और ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, कोई भी इसको छेड़ना नहीं चाहता, इसके विरोध में बात नहीं करना चाहता। और खास करके हमारे हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ी ये खासियत है कि किसी भी एक आदमी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यदि आप झंडा लेकर के खड़ा होने को बोल दें तो वो दिन भर खड़ा रहेगा, भले उसके पेट में अन्न हो या ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या राष्ट्र पे खतरा है अभी राष्ट्रवाद की बात की जाए?
पाँच सालों तक हमने वैसे लोगों के हाथ में सत्ता दी है या सरकार दी है जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे ही उन्होंने दंगे की चोट पे कहा है कि हमने मजबूत हाथों में सत्ता आपने सौंपी है, बिल्कुल राष्ट्र सुरक्षित है, तो फिर राष्ट्र पे ऐसा खतरा क्या आ गया कि इलेक्शन के वक्त में इसकी चर्चा होने लगती है? धारा 370 और 35 से जब हटाया गया तब हटाया गया, लेकिन इलेक्शन में भी भुलाने की बात जब इसको होगी तो निश्चित तौर पर प्रश्न तो खड़े होंगे ही होंगे, पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन सबसे बड़ी कमी मैं समझता हूँ कि विपक्ष की भी एक कमी होती है, जब सत्ता पक्ष लगातार इस तरह के मुद्दे पर रिपीट 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 यदि होता चला जाए तो विपक्ष से सवाल किया जाना चाहिए कि आप कहाँ हैं कि उसके कमजोर नस को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, लोगों के बीच में जाके आप बुना नहीं पा रहे हैं या लोगों के बीच में रख नहीं पा रहे हैं। और ये कमी है, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में एक नई परंपरा, नई तरह की राजनीति हो रही है। हम सारे विपक्षी पार्टियों को ये कहते हैं कि आप अपने राजनीति करने का जो तरीका है उसमें निश्चित तौर से बदलाव लाएं, क्योंकि एक नए तरीके की राजनीति हो रही है यहाँ पे। आप पुराने तरीके से यदि लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को आपको समझने की जरूरत है, आपको जमीन से जुड़ के काम करने की जरूरत है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस उम्मीद में जिस तरह से राष्ट्रवाद की लहर बहाई गई है, मुझे लगता है कि ये इस स्टेट लेवल के चुनाव में इसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतदाता ने जो मन बनाना था मन बना लिया, लेकिन फिर भी इसका असर पड़ता जरूर है। यह कहना वाजिब नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने या अन्य शीर्ष के नेताओं ने देश के हर जगह पे इस चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, और यहां तक कि हरियाणा के चुनाव से यह लपेटते हुए हमने तहरीर सुनी है कि यहां यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जहां इस तरह की बातें की जा रही हो जिसका कोई अर्थ नहीं बनता, कोई इसका मतलब नहीं बनता, तो ये केवल और केवल भावनाओं का उबाल ला करके अपने राजनीति की रोटियों को सेकने के लिए इस तरह की बातें करी जाती है। लोग भी अब समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इस पे काम करने की जरूरत है विपक्षी पार्टियों को। वो सही ढंग से यदि लोगों को समझा पाए तो शायद बेहतर स्थिति होगी। बिल्कुल नसीम खान जी, आप सुन लीजिएगा, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन इससे पहले हम संजय द्विवेदी का हम रुख कर लेते हैं। संजय द्विवेदी जी, सुबह से मतदान प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है, बढ़ चढ़ कर लोग मतदान तो कर रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में आप किस तरह से देख रहे हैं खुद को? संजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है, बिल्कुल। इन चुनावों में आवाज पहुंच रही है जी। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आज वोट डाला है, आप सभी लोग अपने वहां पे जाके वोट डालें, इससे सही निर्णय हो सके जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी नसीम खान जी का मैं सुन रहा था, एक ही बात बार बार बोले नसीम खान जी की मुद्दों पर विचार होना चाहिए, जो देश के मुद्दों पर विचार होना चाहिए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे विद्यार्थी कोई परीक्षा देता है, पढ़ाई करता है, आईएएस तैयारी लोग करते हैं, तो 8 से 9 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं, जिस दिन एग्जाम आता है उसमें पढ़ाई करने में शुरू नहीं करते हैं। उसी तरह से शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी जो भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 5 सालों में निरंतर 8 से 10 घंटा हमारे वार्ड स्तर तक, मोहल्ले स्तर तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे शिवसैनिक कार्य करते हैं। आज हमारा चुनाव का जब समय आया है तो उसकी रोटी कपड़ा और मकान जी, गरीबी हटाओ का नारा 70 साल पहले कांग्रेस देती रही है, आज भी वही बात कह रही, रोटी कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ। तो आज उसका मतलब नहीं, आज तो हमें जाके नीचे काम करना है, और जब हम जाके नीचे काम कर रहे हैं, वार्ड में काम कर रहे हैं, मोहल्ले में काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आगे बढ़ती चली जा रही है। आज विपक्ष के कितने मुख्यमंत्री बचे हैं, कहा इनको ये सोचना चाहिए, बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं। हमारे 370 धारा खत्म हुई, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी थी? 60 साल लोग राज किया ना, हम तो अभी 5 साल पिछले 5 साल में आए हैं, तो 60 साल राज किया है, जिक्र कर रहे हैं संजय द्विवेदी जी, क्या कहेंगे? अभी हमारे देखिए आशिमा जी, द्विवेदी जी को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, द्विवेदी जी चुप नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी कहते हैं। द्विवेदी जी ने 2 महत्वपूर्ण बात कही कि मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ, सड़क, बिजली, पानी, और ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और कांग्रेस पार्टी इसको करती रहेगी। सुन लीजिए एक बार क्या कहना चाह रहे हैं नसीम खान जी। द्विवेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैं बार बार बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश का और ये रहेगा,
और क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, रोड पहले कैसा बनता था आज कैसा बनता है, गांव में सीसी रोड बन रही है तो रोड बनने की बात की जाएगी। अब कोई व्यक्ति इस बात को कहे कि अब भी रोड बनाने की बात कर रहे हो, रोड तो आपको 70 साल में बना दी जाए बना देनी चाहिए, लेकिन पहले गाँव में खड़ंजा डलता था, फिर उसके बाद जो है काली रोड पड़ी, अब सीसी की रोड पड़ रही है, आगे भी नई टेक्नोलॉजी आएगी। दूसरी द्विवेदी जी सुनिए, सबर रखिए, आप सुनने का मादा रखिए, आप सुनने का मादा रखिए। हम इसलिए आपके ऊपर ये आरोप उठाते हैं कि आज राम माधव अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आए थे और इस बात को कह रहे थे कि पाकिस्तान घुसपैठ कर अभी भी कर रहा है। राम माधव क्या सेना के प्रवक्ता है? मुझे ये बताएं, क्या सरकार के प्रवक्ता है राम माधव जी, जो इस बात को आके जब पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहा है और आप पाकिस्तान की घुसपैठ की बात कर रहे हैं, जब आपने 370 समाप्त कर दी, जब आपने 370 समाप्त कर दी, आपने नोटबंदी करके एक बात कही थी कि इस देश के अंदर से आतंकवाद, पत्थरबाज और फेक करेंसी छपना बंद हो जाएगी। देश ने आपकी बात को माना और आज देश भूखा रहा और लाइनों में लगा रहा, लेकिन आतंकवाद बंद नहीं हुआ। फिर आज 370 की बात करने की कांग्रेस ने खत्म नहीं की, कांग्रेस के समय में अभी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, जो आज भी बात को कहने दीजिए, आप ये बात कर करके देश का नुकसान करती है। जब आपने नोटबंदी बंद की, नोटबंदी बंद होने के पीछे आपने कहा था कि फेक करेंसी बंद हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर 370 आपने खत्म की, 370 खत्म करने के बाद एक पूरे राज्य को आपने 3 महीने से कैद किया हुआ है और अभी भी आप आ करके जिस समय चुनाव चल रहा है वो भी कपड़ा मकान वो बलात्कार महिलाओं की सुरक्षा की बात न करके राम माधव इस बात को कहते हैं आकर के कि पाकिस्तान घुसपैठ अभी भी कर रहा है। आप टेलीविजन चैनल हमें शाम को ये बताते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान इमरान खान का काउंटडाउन चालू हो चुका है, सरकार जाने का पाकिस्तान कमजोर हो चुका है, पाकिस्तान कटोरा हाथ में लिए खड़ा है। आज भी उसकी हिम्मत है कि वो हमारे घुसपैठ करके हमारे यहाँ आतंकी घटनाएं करना चाहता है। क्या आप लोग इस राजनीति के अंदर राजनीति फिट करके पाकिस्तान का इमरान खान उन नरेंद्र मोदी जी का एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के नाम पर वो देंगे, बच्चों का जो बलात्कार हो रहा है उसके नाम पर वोट नहीं लेंगे? क्या ये राम माधव का जवाब देश के विपरीत देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आता? नसीम जी, आप आवाज तेज करके चीजों को छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, आप गलत बातों को दबा नहीं सकते। रेणु जी बताइए, आप तेज बोलकर गलत बातों को दबा नहीं सकते हैं? पाकिस्तान में कुछ होता है, कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों पड़ता है, ये सोचने का विषय है। ये देश पूरा सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान में कोई आग लगती है तो यहाँ कांग्रेस में बर्नोल लेके खड़े हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है? कांग्रेस कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है वो पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए हमारी सेना ने पाकिस्तान में हमला किया है। आप बताइए आपने क्या किया है? आपने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया है, आप नवाज शरीफ के घर पे बिरयानी खाने के लिए घर बुलाए, आप बताइए आपका क्या संबंध है? आपसे पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलने गए, आपकी सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान के आतंकवादी मौलाना आजम मसूद को कंधार छोड़ा गया है। आप बताइए आपके पाकिस्तान के आतंकवादियों से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कौन से संबंध है? नवाज शरीफ से कौन से संबंध है? हमारी सरकार 10 साल केंद्र में रही, हम जब नवाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, हम पाकिस्तान में बिना बुलाए हुए नहीं गए। अगर पाकिस्तान में बिना बुलाए हुए गए तो वो नरेंद्र मोदी गए। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी शपथ ग्रहण के अंदर, हमारी शपथ ग्रहण के अंदर पाकिस्तान के किसी वजीर आजम को बुलाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया। अगर आतंकवादियों से इंटरव्यू लेने गए तो वेद प्रताप वैदिक आपके नेता लेने गए, आपके संबंध, आप अगर पाकिस्तान कोई हिंदुस्तान के अंदर बंदा वॉल्यूम डाउन कराएंगे या तो चुप कराएंगे या सिर्फ यही बोलेंगे आपके आतंकवादी हम बात कर रहे हैं द्वारा हर साल लेकर के गर्दन काट देते हैं। ये चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं दिखा? हम बात कर रहे हैं
बंद होता उद्योगों को लेकर हम इस पर बात कर रहे हैं। सुनने का आप अमादा नहीं रखते हैं, आप वो वाली बातें क्यों नहीं करते, आप वो वाली बातें क्यों नहीं करते जब हुड्डा ने अपने अपने मतलब से जमीनें लिखकर वाड्रा को दे दी, तब आपकी बोलती क्यों बनती, तब आपकी बोलती क्यों बनती, पांच साल हो गए कहां थे, वाड्रा को जेल में भेजा है, राजस्थान में आपकी सरकार थी, ये झूठ और झूठ नहीं चलेगी, ये आप गर्भवती महिलाओं के दो प्रवक्ता बुलाए क्या आपने, हम इसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के दो प्रवक्ता बुलाए आपने क्या, नसीम खान जी जब आप कोई सवाल कर रहे हैं तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या, नहीं आप जनता को समझ आया, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भाषा पहले दिल्ली में एक थी, अब हरियाणा में एक क्यों है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, देश को बर्बाद करना, राज्यों को बर्बाद करना, दोनों का मकसद एक है, इसीलिए दोनों की भाषा है। जिस तरह से नसीम खान जी सवाल उठा रहे हैं कि बिना बुलाए प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं, इस तरह के जो सवाल, क्या ये चुनाव का मुद्दा है, बिल्कुल क्या ये चुनाव का मुद्दा है, क्यों बोला फिर पाकिस्तान चुनाव का क्यों बोला फिर, तो पाकिस्तान ने हमने नाम लिया, हमने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, हमने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, ना लेना चाहते नसीम खान जी, हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे देश का नाम लेना ही नहीं चाहते, अभी राम माधव आतंकवाद को बढ़ावा मिला, हम लेना नहीं चाहते, आप लेते हैं, मोदी जी का विरोध करिए, अमित शाह जी का विरोध करिए, आप ऐसे देश का पाकिस्तान का रात दिन माला करते हैं, नसीम खान जी हरियाणा में सरकार बनने के लिए आत्महत्या कर ली, हम उसकी बात कर रहे हैं, चरखी दादरी के अंदर नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पांच साल ये कहते हैं पहले नसीम खान जी, जी इनसे ये पूछिए, ये इतने बड़े बड़े हाथ हिला हिला के हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, अगर इतना ही गलत हमने किया था तो ये सिर्फ लाल और गुलाबी पगड़ियों के चक्कर में क्यों रहे, क्यों नहीं इन्होंने अपोज किया, क्यों नहीं इन्होंने विद्रोह किया, कहां थे जी, आपस में लड़ते रहे, एक वाड्रा को बचाने में लगा रहा, दूसरा अपने परिवार को बचाने में लगा रहा, क्या कर रहे थे ये, क्यों चुनाव प्रचार में भी नहीं, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ दी, बताओ इन्होंने, और वो अपनी बहन का जवाब देना चाहिए, लेकिन आप जवाब ही दिए, मुद्दे से नहीं भटकिए, क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरह से अपनी आवाज उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, चुनाव प्रचार जो हमने बुरा किया, आपने 36 इल्जाम लगा दिए, आपका विपक्ष कहाँ था, लोकसभा में आपका विपक्ष बाहर निकल जाता है, कोई बड़ा चेहरा, योगी जी मैं कहना नहीं चाहता इस राष्ट्रीय चैनल के ऊपर R9 के ऊपर जिसको पूरा देश देख रहा है किस तरीके से योगी जी ने चिन्मयानंद का जो महिला बच्ची का शो उन्नाव के अंदर एक बच्ची का बलात्कार किया गया, उसके बाद उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, उसके जो गवाहों को मार दिया गया, किस तरीके से योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उस सेंगर को अपने विधायक को आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर रखा, जब प्रियंका जी ने रोड पर तब उसको निकाला और तब जेल डाला, जिस तरीके से दो बलात्कारियों का बचाव करने को, जिस तरीके जिस तरीके से अनिल विज को मौका तो दीजिए, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, राम रही जवाब दे रहे हैं, जो आपकी है जो पेट में दर्द जो रेणु जी जिक्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं इससे ही नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री हुड्डा थे और हुड्डा जी आज तवर को हटाने की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, आप क्या बना रहे थे, आपका लॉजिक लिंक क्या है, अरे इससे औरतों की सुरक्षा को आप बताइए, रेणु जी एक सवाल, फट्टे जी ये कहते हैं कि नहीं कहते, लड़कियां पहले दोस्ती करती है जब नाराजगी हो जाती है और फिर बलात्कार का आरोप लगाती है, आपका मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणु जी एक मिनट कहा कि बताइए आपके मुख्यमंत्री जी, आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा है, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में आपकी तरफ से जो बुलंद आवाज अब यहाँ स्टूडियो में हम देख रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार में क्यों नहीं दिखाई है जोश, क्यों नहीं ये मुद्दे दिखाई दिए जिस पर आप सवाल खड़े कर सकते थे, और कहीं ना कहीं संजीव कौशिक ने ये साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष इसमें कमजोर रहा है और शायद यही फायदा मिल रहा है दूसरी पार्टियों को, मैं अस्मिता जी आपका जी मुद्दे से मत भटकिएगा, प्रचार प्रसार नहीं हुआ, बिल्कुल मुद्दे से पूछ रहा हूँ, शिवसेना सरकार शिवसेना काम करती है,
भाई मोहल्ला सर काम करती है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, आप तो काम ही नहीं कर रहे हो। द्विवेदी जी आप थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए, चिल्लाओ चिल्लाओ, किसी बोलने मत दो, ऐसे ऐसे डिबेट की जाती है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप एक राहुल गांधी जी की रैली की जो है एक भाषण आप चलाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े लीडरों के बयानों को आप एनालिसिस करिए। राहुल जी सिर्फ ये कहते सुनाई देंगे, आखिर किसानों की बात करोगे? राहुल जी ने कहा कि मोदी जी पर, मोदी जी मन की बात करते हैं और हम काम की बात करते हैं, हम किसान की। फिर आप बीच में बोल पड़े, आप बीच में बोल पड़े, फिर एंकर साहब ये कहेंगी बैठ करके आप बोल नहीं देते, रोक तो दिया हाँ। तो उसमें हम स्पष्ट रूप से रैलियों में ये देखते हैं और जो मुद्दों पे अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नवनियुक्त अध्यक्ष ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने लीड ली है लोकल मुद्दों की और जाकर के बैठे हैं जिनका, तो ये विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखा और हम लगातार करते हैं 5 साल, दिखा नहीं, लेकिन दिखता भी है, ऐसा बात नहीं दिखता। R9 अब आया है, R9 जैसे टेलीविजन R9 जैसे टेलीविजन जब जब करेंगे लोकल मुद्दे दिखाई देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ R9 टेलीविजन का कि राष्ट्रवाद के छलम राष्ट्रवाद के मुद्दों से हटकर के R9 के एंकर में पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। और राहुल गांधी जी हो, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे जो महाराष्ट्र के अंदर हमारे स्थानीय लीडर हो, सारे लीडर राहुल गांधी से लेकर के सोनिया जी से लेकर प्रियंका जी से लेकर कांग्रेस का एक वर्कर सड़क पानी बिजली और बलात्कारियों के खिलाफ और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते पेट्रोल के खिलाफ, बढ़ते डीजल के दामों के खिलाफ, बढ़ते प्याज के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आप बहुत आवाज को बुलंद करके चीजों को छुपा नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रचार प्रसार की, हम बात कर रहे हैं ना, हरियाणा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जाना पड़ा, क्यों नहीं देखे जिस तरह से यूपी उपचुनाव, क्यों आखिर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो प्रचार प्रसार नहीं दिखा जो पिछले चुनावों में दिखाई दिया कांग्रेस की तरफ से? जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, जिन मुद्दों को आप यहाँ उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखे चुनाव प्रचार में? हम तो ये सवाल कांग्रेस इस बात को, आप बहुत अच्छा सवाल उठा रही है। अगर किसी ने इस हरियाणा चुनाव में आवाज उठाई है तो 24 घंटे बिजली देने का जो वादा था, 154 वादे थे वो पूरे नहीं हुए, वो हुड्डा जी ने उठाई। अगर किसी ने आवाज उठाई है कि बढ़ती बेरोजगारी की, उठाई है। अगर किसी ने गुड़गांव के अंदर मारुति के बंद होने की आवाज उठाई है तो हुड्डा जी ने उठाई। अगर अशोक लीलैंड के बंद होने की आवाज उठाई तो हुड्डा जी ने उठाई। अगर किसी ने बढ़ती बेरोजगारी की आवाज उठाई तो हुड्डा जी ने उठाई। अगर किसी ने नाबालिग बच्चों के बलात्कार की आवाज उठाई तो हुड्डा जी ने उठाई। अगर किसी ने टमाटर प्याज की आवाज उठाई तो हुड्डा जी ने उठाई। अगर किसी ने आवाज उठाई है तो पिछले 10 साल के अंदर हमने जो काम किए थे, अमूल चूल विकास किए थे, वो हुड्डा जी ने उठाई। आज गिरती बेरोजगारी और गिरती आर्थिक दर की आवाज उठाई है, बिल्कुल चुनाव में दिखाई देगा। और हरियाणा के अंदर अस्मिता जी वोट पड़ रहा है, आपसे मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा को हम जारी रखेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहस तो ये कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जानने की और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष क्यों नहीं दिखाई दिया और आखिर हरियाणा की जनता का मूड क्या कहता है और आज के चुनाव में, आज के इस मतदान प्रक्रिया में क्या दिग्गजों की साख किस तरह से पेश होती है, जनता किस पर विश्वास जताती है, ये 24 अक्टूबर को सामने हो जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी है, जनता का मूड क्या है और आखिर जो दिग्गज मैदान में हैं उनकी जो साख दांव पर लगी है, आखिर किस पर जनता अपना विश्वास जताएगी और किस आधार पर जताएगी, इसी का जवाब हम ले रहे हैं तमाम मेहमानों से। हमारे बीच है रेणु जी, आपके पास आऊंगी। नसीम खान जी ने तो काफी चिल्लाया, काफी सवाल खड़े किए, लेकिन यहां पर आपसे एक सवाल यहां पर मैं यही करना चाहती हूं, क्योंकि संजीव कौशिक जी ने भी कहा कि ये स्थानीय स्तर के चुनाव है, प्रदेश स्तर के चुनाव है, क्यों यहां पर इन चुनावों के दौरान राष्ट्रीय मुद्दे हावी नजर आए, क्यों वो चुनावी मुद्दे नहीं दिखाई दिए जो प्रदेश स्तर पर विकास के हो सके, किस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए आशिमा, चुनाव चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्र हो, जनता वही है, जनता का ही सोचने के लिए हम राजनीति करते हैं और हम सोशल बाइंडिंग में बंधे होते हैं, तो इसलिए ये सोच तो मुझे लगता है कि बहुत ही
कोई मायने नहीं रखती कि ये राष्ट्र मुद्दा है, ये राज्य मुद्दा है, क्योंकि अगर आप बारीकी से समझेंगे तो कोई भी जो राष्ट्र मुद्दा है वो राज्य से जुड़ा होता है। अब अगर ये कहते हैं चलिए हम 5 मिनट के लिए 370 और पुलवामा और ये सारा भुला देते हैं, थोड़े से हम उनकी तरफ चले जाते हैं कि हमने क्या क्या काम किए। आयुष्मान भारत की अगर हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत का जो लाभ है 5 लाख रुपए का जिनको बीमे से सुविधा मिली है, वो क्या केवल हरियाणा के लिए है, क्या केवल महाराष्ट्र के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग आके दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। आयुष्मान योजना अगर कामयाब होगी उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में इलाज नहीं करा रहे। को बोले तो दीजिए, जवाब नहीं मिलेगा तो अब कैसे करेंगे, हम भी करेंगे इस बार, यही जानने के लिए तो बैठे हैं। सुनिए, तो ये योजनाओं का लाभ सब जगह है। अगर हमने किसी गरीब माँ के आंसू पोंछे हैं, उसका दर्द सहा है, दर्द समझा है, तो हमने उसको रसोई गैस चूल्हा दिया तो वो पूरे देश में दिया ना, तो वो राष्ट्र स्तर पर। ये तो आप वो मुद्दे गिना रही हैं जो आपके तरफ से काम किए जाते हैं। बेरोजगारी, नौकरी का वादा किया था वो नहीं मिला, नौकरियों की बात, एक अच्छा मुद्दा विपक्षी का है, नौकरियों की बात। आपने कितने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा सर, आपके स्कूल अस्पताल पर भी आएंगे, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतना ही होगा, ये बात होती है। भले ही अभी कुछ कम दी गई है और दी जाएंगी, इन प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं की खत्म हो गई नौकरियां दी नहीं जाएंगी, जितनी कही है उतनी जाएंगी, परंतु जितनी भी नहीं है, आप हरियाणा की देख लीजिए, हमने जितनी नौकरियां दी हैं सब ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से और जेन्युइन लोगों को। मैडम कितनी नौकरियां दी हैं पहले ये बता दीजिए आप। नहीं नहीं, आप ये बताइए, एक आंकड़ा ये कितनी नौकरियां दी हैं, एक दिए 5 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं ये बताइए आप। नहीं आंकड़े सही है, नहीं आपको कह रही हूँ, एक दी है या 1 लाख दी है, आप जितनी भी दी है ऐसे कैसे मैडम, ये नौकरियां दी ही नहीं है। कितने स्कूल है हरियाणा के अंदर, कितनी सड़कें सही है बताइए आप। तो दीजिए ना आप, विषय तो पूरा होने दीजिए। 6,000 फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी के लिए 15 लाख से ज्यादा बीए पास बच्चे के कभी रिजल्ट आते थे, अंडर टेबल देकर ट्रांसफर होते थे, अंडर टेबल देकर, बैक द डोर देकर, पर्चियां देकर, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आप हम पिछले एक आशीम छोटी सी बात जी, आप पिछले 2 मुख्यमंत्रियों को देखे, 10 वर्ष के कांग्रेस के और 5 वर्ष के उससे पहले, आप ये देखिए वो कहाँ है, उनके ऊपर क्या क्या केसेस है, क्यों है, क्योंकि उन्होंने इसी तरह के घपले किए। हम भले ही 5 में से 2 नौकरियां दे देंगे, लेकिन देंगे ऑफिशियल तरीके से, ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से, ताकि उन लोगों को ईमानदारी की रोटी मिले, ना कि उनको कोर्ट कचहरी करना पड़े या उनको फिर किसी बवंडर में फंसना पड़े, जैसे अब लाखों लोग फंसे हुए हैं हरियाणा के। तो काम कम करिए मगर ईमानदारी का और अच्छा करिए, ये हमारी सोच है। लेकिन जो टारगेट आपने सेट किया, टाइम पीरियड टारगेट किया, उसमें आधा तो पूरा होता, लोगों को उम्मीद। आपकी बात आशिमा बिल्कुल ठीक है, टाइम पीरियड भी होता है, टारगेट भी होता है। अगर इस प्रोसेस से आप चलेंगे तो शायद वो पूरा नहीं कर पाएंगे, 10 साल 20 साल भी कम पड़ जाएंगे। मैं इनका विपक्षी पार्टी हूँ, काउंटर का समय जरूर दिया, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मैं इनका विपक्षी पार्टी हूँ, ठीक है, आम आदमी पार्टी वहाँ ज्यादा पिक्चर में नहीं है। और मैं लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है, मैं शिक्षा का सवाल करना चाहता हूँ वकार साहब, आप मुझे थोड़ा जो हरियाणा में मॉब लिंचिंग हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है, जरा मुझे ये भी बता दें, वहाँ की कितनी सड़कें सुधारी गई इसके बारे में भी बता दें, बिजली के बिल 200 यूनिट तक 1300 रुपए आते हैं, वो कहाँ पैसा जाता है उसके बारे में बता दें। आप वहाँ की सुरक्षा की बात करती हैं, महिलाओं के लिए आपने सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए वो बता दें। स्थानीय मुद्दों पे आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि स्थानीय मुद्दे बिल्कुल नजर आते हैं वहाँ जी, ये तो सवाल खड़े किए, लेकिन बिल्कुल आऊंगी। नसीम खान जी कह रहे हैं कि आप तो पिक्चर में ही नहीं है। नहीं, ये तो दिल्ली में भी यही कहते थे हमसे, दरअसल में कांग्रेस कांग्रेस पानी का बुलबुला थी जो फट गया है, खत्म हो चुका है, कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है, ना हरियाणा में ना दिल्ली में, क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस अगर विपक्ष में होती दिल्ली में आवाज उठाती, आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपए पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस में मादा नहीं है कि वो आवाज उठाएं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलें, क्योंकि उन्हें तो अपनी जान बचानी पारी है, क्योंकि ये लोग इतने भ्रष्टाचार कर चुके हैं, ये लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो मोदी जी इनकी फाइल ना खुलवा दें, इस डर से ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये खामोश पड़े हुए हैं। देखिए, हरियाणा में हम बहुत अच्छी एंट्री करेंगे, धमाकेदार एंट्री करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, विधानसभा बिल्कुल, लोकसभा में हम जीरो रहे, बिल्कुल हम मानते हैं इस चीज को। देखिए, हम राजनीति करने नहीं आए, मैं आशिमा जी मैं बता दूं, मैं अपना क्लियर कर दूं, हम देश के अंदर राजनीति करने नहीं आए, हम सत्ता भोगने नहीं आए, हम सत्ता भोगने नहीं आए, हम सत्ता की राजनीति करने नहीं आए। आप सुन लीजिएगा मैडम, आप सुन लीजिएगा, देखिए हम देश के अंदर राजनीति बदलने आए हैं,
हमने राजनीति की बदलने की शुरुआत दिल्ली से की। बिल्कुल हमने बदला, हम बताते हैं आज दिल्ली के अंदर कोई भी मंत्री लाल लाइट नहीं लगा सकता, ये हमने बदला, ये हमने किया। आज एक आम आदमी को अपनी वोट की ताकत का पता है। आप किसको चेंज करते हैं? लेकिन देखिए, आज हम बिजली पानी देखिए, आप पूरे वर्ल्ड में दिल्ली का नाम है किस लिए नंबर वन आम आदमी पार्टी बड़ा गर्व महसूस करती है कि हम गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं लगाते। 450 रुपए की लाल बत्ती हटा करके ये पूरी राजनीति को बदलने का दावा करते हैं। बिल्कुल, हमने दूसरी चीज चलती, क्या भारतीय जनता पार्टियों के मंत्रियों के पीछे आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल आम आदमी पार्टी के पीछे नहीं। 250 रुपए की जो लाल बत्ती ऊपर लगती थी सिंबोलिक, सिर्फ उसको हटाने के बाद आप ये बोलते हैं कांग्रेस का एक नेता चलता था 25,000 के पीछे आम आदमी पार्टी। आज हमारा आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी ये एक गाड़ी राजनीति बदलने आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं कि हम राजनीति बदल राजनीति बदली है हमने मेरी राजनीति बदली है मुश्किल ये है, मुश्किल ये आसिमा कि सत्ता में बैठे लोगों को जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो लोगों को बाहर के लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, और जो वो देख पा रहे हैं वो सत्ता के लोग नहीं देख पा रहे हैं। मुश्किल ये है कि यदि बेरोजगारी की बात करें तो सत्ता में बैठे लोग कहते हैं बेरोजगारी है कहाँ, हमने इतने दे दिए पैसे बांट दिए, चारों तरफ तो बम बम है, लोग पकौड़े तल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं लोग। इनसे जब महंगाई की बात करें तो ये कहेंगे कि महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई आपको दिख गया। भुखमरी की बात की जाए, यहाँ बच्चों के कुपोषण की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, ये सत्ता में बैठे लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। इन्हें दिखाई क्या देता है जो आपको नहीं दिखाई देता? ये कहेंगे कि पिछले 5 सालों में विश्व में देश का नाम बड़ा हुआ है। अरे कौन सा पैमाना है, कैसे नाप लिया आपने, कैसे बड़ा हुआ है? घुसखोरी खत्म हो गई है, कहां से देख लिया आपने घुसखोरी खत्म हो गई है, कहां हाथ में लेन देन करते हुए सड़क के किनारे आपने देखा कभी? तो वो सारी चीजें जो आपको नहीं दिखाई दे रही है वो इनकी उपलब्धि है, और जो दिखाई दे रही है उस पर ये कहती है कि नहीं ये सारी चीजें दुरुस्त हो गई है। मुश्किल यही है, और ये बहुत बड़ा ट्रैप है, और इन सब चीजों को यदि विपक्ष उठाने की कोशिश करे तो एक इतना बड़ा जाल फैला दिया जाता है कि विपक्ष उसी में उलझ जाता है कि हम देशद्रोही कहलाने से बचे या उसके साथ में आ जाए। जाल से निकलने का कोई तो ट्रिक होगा, बिल्कुल विपक्ष यही 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 नहीं, कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर उठाए जा सकते थे लेकिन वो दिखे नहीं, क्या वजह मानते हैं आप इसके? नहीं नहीं यही नहीं खोज पाते हैं वो। सीधी सी बात है कि किस तरह से, एक उदाहरण मैं बता दूं, पिछले ही बार अभी हाल फिलहाल में रक्षा मंत्री बाहर गए थे, विदेश में गए थे, और जाकर के वहां पे उन्होंने राफेल का टीकाकरण किया। सवाल यह उठाना चाहिए था कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि जिस राफेल की डिलीवरी भी हिंदुस्तान में हुई नहीं, आने वाला अगले साल है, उसे जाके आप वहां फूल माला चढ़ा रहे हैं। यह उल्टा दूसरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि वहां नारियल फोड़ने की क्या जरूरत है और नींबू लटकाने की क्या जरूरत है। तो आप गलत तरीके से यदि कोर्ट करेंगे फंस जाएंगे। नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए, तो आप गलत तरीके से, बात वही है लेकिन आप मूल मुद्दे पे जड़ के ऊपर प्रहार करें, आप गलत तरीके से उठा देंगे बात तो ट्रैप में फंस ही जाएंगे। और जानबूझ करके वहां नींबू इसलिए चढ़ाया गया कि आप इसके पीछे अगेंस्ट में हल्ला करेंगे और उसमें फंस जाएंगे आप ट्रैप में। तो ये समझने की जरूरत है, आप नहीं समझेंगे फंस जाएंगे। आप और आपकी पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों आखिर जो मुद्दे बनाने चाहिए, जिन मुद्दों पर सवाल खड़े होने चाहिए वो नहीं दिखते हैं आपकी तरफ से? आप किसी और ट्रैक पे चलते हैं, जो जाल बिछाया जाता उसमें फंस जाते हैं। कि सरकार नींबू मिर्च लगाए कुछ ही लगाए, ये सरकार का अपना मामला है, हमें इससे लेना देना नहीं है। और हमारा सवाल यही है कि राफेल अभी जो आया नहीं है, जल्दबाजी क्या हो गई? दूसरी आखिर क्यों नहीं समझ पा? नहीं हम समझ रहे हैं, देखिए हम समझ रहे हैं, आपके शीर्ष के नेताओं ने तो दूसरा सवाल खड़ा किया। हम इस बात को समझ, आप देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कौशिक जी को। आप देखिए पिछले कुछ महीनों से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका जी सक्रिय हुई है, आप देखिए उन्होंने सादे छदम राष्ट्रवाद के मुद्दों को छोड़ करके जो शोषित लोग हैं उसके घर बैठने का काम किया, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया, और सरकार झुकी है। दूसरी चीज में इस बात को, मैं दो महत्वपूर्ण बात आई थी जो मेरी रह गई थी कि मेरे बहुत अच्छा वो रिजल्ट ला सकती हैं लेकिन आप उन्हें फुल टाइमर राजनीतिक तो बनाइए। नहीं, फुल टाइमर उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपना बेस बनाया है लखनऊ के अंदर और पूरी टीम वो बना रही है। और जो कांग्रेस के जो हमारे जो खांटी कांग्रेसी बड़े नेता थे उन वो जो सोचते थे उसके विपरीत एक नई परिपाटी और नया संगठन खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज, मेरे बगल में आम आदमी पार्टी ने तो सवाल नहीं खड़ा किया। मेरे बगल में जिस तरह से आर्टिकल 370 तीन तलाक इन मुद्दों को जिस तरह से हवा दी गई, हालांकि अपने काम किया हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन
क्या आपको नहीं लगता इन दोनों राज्यों में जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए थे वो प्रदेश के विकास के हित में होने चाहिए थे? बेरोजगारी, किसानों की कोई बात आपकी इस चुनाव प्रचार में नहीं दिखी है? ये विपक्ष ने तो सवाल नहीं किया, लेकिन हम आपसे करना चाह रहे हैं। आशिमा, ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों को हवा दी गई, क्या ये मुद्दे बेसिक नहीं है? क्या ये मुद्दे जमीन से जुड़े नहीं है? क्या ये मुद्दे हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या ये आप 370 की बात करते हैं? आप लोग बार बार कहते हैं 370 का हरियाणा के चुनाव को हवा दी जा रही है, क्यों नहीं देंगे? ये कितना बड़ा काम 65 वर्षों से जो मैडम चुनाव सरकार नहीं कर रही है, विकास की बात हम कर रहे हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा जवानों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो।